एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं दो डेक्स यूज़ करूँगी, सबसे पहले करंट सिचुएशन आपके पर्सन की और करंट फीलिंग्स आपको लेकर। सो इन दोनों डेक से हम वन बाय वन चेक करेंगे। सो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनको इमेजिन कीजिए जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन, जजमेंट, फाइव ऑफ चैलिसेस, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ चैलिसेस, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द होली किंग। क्लैरिफाई करते हैं, तीन शफल के बाद क्लैरिफिकेशंस लूंगी मैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, ठीक है। यहां पर जो साइन है वो स्पेशली फायर है और वाटर है, ठीक है। यहां पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सबसे स्ट्रांग है। सेकेंड नंबर पे वी हैव कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस एंड थर्ड नंबर पे वी हैव अक्वेरियस, लिब्रा, फोर्थ नंबर पे अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ज़्यादातर जो कार्ड हैं वो इमोशनली थोड़े अपसेट रहने की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का या तो किसी से झगड़ा हुआ है, किसी बात पर बहस हुई है, किसी बात पर कॉन्फ्लिक्ट हुई है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, दुखी हैं, स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं। इनके लाइफ में कुछ इन्होंने अपने माइंड में बनाकर रखा था और उस पर ये एक्शन लेने के लिए अब डिसीजन ले चुके हैं या लेने वाले हैं बहुत जल्द। इनके मन में ये चीज़ें हैं लेकिन इस डिसीजन के लिए इनको अपनों से दूर जाना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ पर फैमिली ने न मान रही हो, हो सकता है यहाँ पर जो अदर सिचुएशन है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ से रिलीज होने की एनर्जी है। बिकॉज एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया हुआ है विद स्ट्रेंथ कार्ड, तो इनके लाइफ में ये इस वक्त बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी आइसोलेशन की है। तो करंट सिचुएशन में बहुत, जैसे होता है ना, शांत रहना, अकेले कहीं कोने में बैठकर सोचते रहना आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में कैसे होगा, कंप्लीशन कैसे होगा, यूनियन होगा या नहीं होगा, शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, अपने लाइफ में अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं करियर में, जो भी इनका काम है, जो भी इनकी जॉब है, लेकिन अंदर ही अंदर इनको इनसिक्योरिटी हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए और मैं कुछ कर ना पाऊँ, मेरे आँखों के सामने सब कुछ बिखर जाए। तो ये अब जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनके लव अफेयर में एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिले। आपके साथ जो इनका अफेयर है या आपके हस्बैंड हैं, जो भी आपके साथ रिलेशनशिप है या वाइफ हैं, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये जो पर्सन है ना, ये अब एक डिसीजन लेना चाहता है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अब लेट हो। तो ये वाइब्रेशन है यहाँ पर इनकी करंट सिचुएशन की। देखते हैं करंट फीलिंग्स में क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त। टेम्परेंस फर्स्ट कार्ड,
सेकंड वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, थर्ड द फूल, टेन ऑफ सोर्ड्स, और कोई कार्ड आना चाहता है? करंट फीलिंग्स, हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सेवन ऑफ सोर्ड्स विद ओवरऑल एनर्जी सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन अभी आपके साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, कोई निर्णय नहीं लेना चाह रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बैलेंस बनाकर चलते हैं और बहुत जल्द इन्होंने अपने माइंड में एक डिसीजन ले लिया है कि मुझे इसके लिए, इस रिश्ते के लिए केयर फ्री होकर आगे बढ़ना है। मुझे जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है या कन्फ्यूजन है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे बाहर निकलना है, ख़त्म करना है उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को। यहाँ पर कोई इन्हें मैनिपुलेट अब नहीं कर सकता। इन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि मुझे किस बंदे या किस बंदी के लिए स्टैंड लेना है, मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है। लेकिन ये डिसीजन आपसे हाइड करेंगे, आपसे नहीं बताएंगे अभी। ये सही समय आने का इंतज़ार कर रहे हैं, सही समय आने पर ही ये डिस्क्लोज करेंगी या करेंगी। तब तक आपके साथ सिर्फ बैलेंस बनाकर चलेंगे। हो सकता है कम्युनिकेशन हो, कम बातचीत हो, साइलेंट जोन में रहें। आपको कई बार ऐसा भी लगे कि ये कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं मेरे लिए या इस रिश्ते के लिए, कब लेंगे इस स्टेप मेरे लिए, क्या होगा इस रिश्ते में आगे। ठीक है, बट इनकी तरफ से ये स्टेप लेंगे, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर भी निकलेंगे, ये बहुत ज़्यादा दूर की सोच रहे हैं, बट मिस्ट्री रखेंगे, ये एक तरह से मिस्टीरियस बिहेव करेंगे। आपको कुछ भी क्लियर नहीं बताएंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, हिडन रखने की एनर्जी है। बट आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये चीज़ें यहाँ से क्लियरली निकल कर आ रही हैं। क्या स्टैंड लेंगे देखते हैं, और कब तक लेंगे ये भी देखते हैं। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है? एंजल्स, क्या यूनियन होगा मेरे व्यूवर्स का उनके पर्सन के साथ? वी हैव नंबर सिक्स फर्स्ट कार्ड विद डबल एसेस, वन वन विद नंबर फोर एंड नंबर सेवन। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम क्यों आया है? ओके, क्यों ऐसा सोच रहे हैं? ओके, क्या हाइड करेंगे? देखिए, अभी मैंने आपको जो कहा वही क्लैरिफिकेशन भी आया है। मैंने पूछा क्या हाइड करेंगे, अभी मैंने आपसे कहा कि इन्होंने जजमेंट ले लिया है, डिसीजन ले लिया है, बट ये आपसे छुपाएंगे। ठीक है, वी हैव गॉट डिसेप्शन कार्ड, मास्क लगाया हुआ एक बंदा, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे छुपाएंगे। क्या छुपाएंगे? काफ़ी लोगों के पर्सन तो सफरिंग छुपाएंगे कि ये पछतावा है इनको, या इनको गिल्ट है, या ये किसी प्रॉब्लम में है, ये चीज़ें छुपाएंगे। इनकी लाइफ में ये कर्मा फेस कर रहे हैं, इनको ये एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, तो अब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अब इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इन्हीं की गलतियों की सज़ा है। ठीक है, तो ये भी इनको समझ में आ रहा है, ये चीज़ भी आपसे छुपाएंगे, और इन्होंने क्या डिसीजन लिया है ये भी आपसे छुपाएंगे। जजमेंट का कार्ड है, ठीक है, ये तीनों चीज़ ये आपसे अभी हाइड करेंगे। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई किया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेज ने, डबल नाइन ने। इनके लाइफ में देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कार्मिक्स हैं, इवन इनके घर में इनकी मदर भी हो सकता है इनकी कार्मिक हो। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म का कोई ना कोई ऐसा कर्मा एसोसिएटेड है माँ के साथ, जिसकी वजह से, मदर की वजह से भी इनकी लाइफ पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये इमोशनली फ़िलहाल सबसे डिस्कनेक्ट रहना चाहेंगे, कुछ दिन साइलेंट जोन में रहना चाहेंगे, लेकिन आने वाले समय में ये अपनी इच्छा की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मदर गाया की वाइब्रेशन है विद द चैरियट कार्ड,
तो अपनी मन की सुनेंगे, अपनी सोल की सुनेंगे, अपनी आत्मा की सुनेंगे, ये एनर्जी है, ठीक है। इमोशनली जिससे अटैच्ड हैं उसकी तरफ आगे बढ़ने की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत आप कह सकते हैं ना कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में ये कम्प्लीशन होने वाला है, और ये जो कम्प्लीशन होने वाला है इसके बाद एक नई शुरुआत होगी। ये जो न्यू बिगनिंग है ये बहुत सॉलिड होगी, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ एस ऑफ कप्स आया है, तो लविंग एनर्जी भी है, बैलेंस भी है, डेस्टिनी भी है, और प्रॉस्पेरिटी बिगन्स भी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लाइफ में एक साइकिल एंड होने वाली है, बिकॉज डेथ के साथ 999 है, ठीक है। काफ़ी लोगों के साथ एक साइकिल एंड होने वाली है, स्पेशली कार्मिक साइकिल, अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई कर्मा है पेंडिंग, तो इनकी विश भी है कि ये निकल जाए अब इस सिचुएशन से, इस सफरिंग से, इस नेगेटिविटी से। तो यहाँ पर ये कार्मिक साइकिल्स एंड होंगी और यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग की वाइब्रेशन है। तो फिलहाल आपसे डिसीजन छुपाएंगे, अभी आपके साथ बैलेंस बनाकर चलेंगे, आपको भी इनसे फोर्सफुली नहीं पूछना है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 आवर्स का मतलब हो गया आपके लिए, कुछ लोगों के लिए 6 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी, कुछ लोगों के लिए 24 घंटे की एनर्जी होगी। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में, क्या कोई मैसेज? जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपको बिल्कुल ट्रस्ट रखना है डिवाइन पर। यस का कार्ड है, आने वाले समय में आप जो भी सोच रहे हैं वो होगा। टेक एक्शन, आपके पर्सन या आप जिन्हें भी एक्शन लेना है वो एक्शन भी लेंगे, एंड बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत सारे लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे। आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है अपनी लाइफ में, खुद पर फोकस कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, अपने आप पर फोकस रहिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, हैप्पी रखिए, हर तरीके से खुश रहने की कोशिश कीजिए। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, और फिलहाल अगर आपके पर्सन थोड़ा शांत हैं, सफरिंग में हैं, या बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, तो उनको फोर्स मत कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।